अभी करना बाकी है। ईवीएम मशीन सुरक्षित रख ली गई, शेष मात्र 163 लोकसभा क्षेत्रों के लिए जहां मतदान अभी बाकी है वो पांचवें छठे चरण के बाद सातवें चरण में अंतिम दौर जो है वो 1 जून को मतदान होगा, जिसमें गोरखपुर आपका बलिया गाजीपुर बनारस तक ये पूर्वांचल का इलाका है। इस क्षेत्र की जनता भी अपने बीच से अपना प्रतिनिधि चुनेगी देश की संसद के लिए। 1952 से देश में चुनाव होता है, उससे पहले चुनाव की कोई प्रक्रिया नहीं थी क्योंकि देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी और महारानी विक्टोरिया लंदन में बैठती थी, उसका गवर्नर जनरल भारत में और उसकी फौजी ऑफिसर इस देश की जनता को गुलाम बना करके शासन करते रहे। न किसी को मत देने का अधिकार था और न कोई चुनाव लड़ने वाला था, न चुनाव में वोट मांगने का अधिकार था। एक लंबे संघर्ष के बाद आपके पुरखों ने, आपके पूर्वजों ने इस गुलामी की बेड़ी को तोड़ा और देश को आजाद किया। आजादी के बाद समस्या थी देश चले कैसे, क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले भी देश में गुलामी की ही व्यवस्था थी। देश में 700 से भी ज्यादा राजा, रजवाड़ा, महाराजा, नवाब, निजाम, उन्हीं का लाभ उठा करके देश पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ था, वो भी एक व्यापारी के भेष में अंग्रेज इंडिया में आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के आया। और धीरे 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 एक राजा को दूसरे राजा से लड़ा के, किसी को कर्जा देके, किसी को पैसा दे करके अपने पक्ष में मिलाते 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 एक दिन संपूर्ण देश पर उसका कब्जा हो गया। सारे राजा महाराजा या तो उसके सामने नतमस्तक हो गए या तो उसके गुलाम हो गए। लेकिन जब लंबे संघर्षों के बाद देश की जनता और उस समय आपके पूर्वजों में से जो रहनुमा देश में पैदा हुआ उसने अंग्रेजों के शासन को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया, 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो उस समय जहां महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन का दौर चल रहा था,